हम ये कहना चाहते हैं मैडम को, आप हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, हमें आपका एहतराम है, तो आप मेहरबानी करके वो सिटर मत उठाइए जिससे यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो। और फिर जो नईम अख्तर साहब कहते हैं कि ये कोई परमिट सर्टिफिकेट नहीं है, ये तो इब्तिदाई इश्क है। भी कहते हैं इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्यों, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगला स्टेप जैसे बीजेपी की लीडरशिप ने खुद कहा कि ये पहला स्टेप है, अगले स्टेप हम बाद में उठाएंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे एक मुतनाज़ इलाका है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज नहीं कर सकते। सो फार एज लिवलीहुड ऑफ द वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजीज आर कंसर्न, उसी विषय को लेकर जो है एक एजेंडा ऑफ अलायंस में बातचीत रखी गई थी, उसी के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नौकरियां जो हैं यहां पर वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों के लिए जो हैं आवंटित की गई हैं, उनके लिए रखी गई हैं। उसी के मद्देनजर एक सर्टिफिकेट जो है यहां की सरकार द्वारा जो है उनको दिया जा रहा है। लगातार 1947 से ये लोग यहां पर रह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय को देखा है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी इस विषय को देखा है, लेकिन आज प्रश्न मात्र इनको एक सर्टिफिकेट देने का है ताकि इनके जो लिवलीहुड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके।